1 hour later. देख सकते हो क्वार्टर में कैसे काम करते हैं। ऐसे इसमें कपड़ा है, अब ये कपड़ा मैं रिसीव किया तो बैग को खोल दिया हूँ, स्टैंड बैग को। और ये वाला पार्सल देख सकते हो, इसको लेके जाऊंगा जेपी नगर। तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारा लोग मेरे को कमेंट किए थे भाई 12 घंटा काम करो, 12 घंटा काम करके दिखाओ कि पॉटर में कैसा क्या अर्निंग हो रहा है। आज का इस वीडियो में वीडियो ज़्यादातर कैमरा पे इतना लंबा करने से अच्छा कि सही चीज़ जो आप लोगों को चाहिए वो चीज़ दिखाई जाए ताकि आप लोग पूरा देखें वीडियो को। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज 12 घंटे में कैसा क्या अर्निंग हुआ है गाइस। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक अपडेट देता हूं। जैसे कि मान के चलो मेरे को एक ऑर्डर असाइन हुआ है, ठीक है। इस ऑर्डर पे मान के चलो ऑर्डर असाइन होने के बाद मैं पिकअप कंप्लीट किया, इस ऑर्डर में कस्टमर पेमेंट कंपनी को किया है या मेरे को कस्टमर से लेना है वो चीज़ देख लीजिए। मान के चलो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सिखाता हूँ, ठीक है। लिखा है ट्रिप फेयर जो है तो ये अमाउंट कस्टमर से कंपनी लिया है, ठीक है। बट मेरा यहाँ पे देख सकते हो कैश टू कलेक्ट 0, मतलब मेरे को कस्टमर से पैसा नहीं लेना है, ठीक है। कस्टमर का डिटेल्स ऐसा ही आ जाता है हम लोगों को, तो सारे के सारे कस्टमर का कहाँ ड्रॉप, लोकेशन कहाँ पिकअप। जब मैं पिकअप कंप्लीट कर चुका हूँ अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ऐसा ही कैश टू कलेक्ट 0 है, मतलब पैसा लेना नहीं। तो भाई जितने भी लोग ये वाला वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को जब अभी मेरा वॉलेट लाइव दिखाऊंगा ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ पंकज भाई कितना मेहनत करता है और कैसा काम करता है, ठीक है। एक एक ट्रिप में कितना कितना फेयर मिलता है पूरा एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो को पूरा देखना ताकि आप समझ जाओगे गाइस। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ मेरा पॉटर का वॉलेट में, ठीक है। पॉटर एप्लीकेशन में आ चुका हूँ और आप लोगों को पता होगा कि मैं पॉटर में जब काम करता हूँ मैं पॉटर का प्राइम पार्टनर हूँ, ठीक है। यू आर ए प्राइम पार्टनर, तो ठीक है। इसके ऊपर आगे वीडियो लाऊंगा कि प्राइम पार्टनर कैसे बन सकते हैं, प्राइम पार्टनर का रूल्स क्या है। यहाँ पे डिले जो 10 सेकेंड डिले है ना, ये डिले बटन नहीं रहता है, तुरंत ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऊपर आगे वीडियो आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा मेन टॉपिक क्या है भाई। आज मैं 12 घंटा जब काम किया, जो आज डे था ट्यूजडे था, ठीक है। तो ट्यूजडे में मैं लॉगिन किया, तो अर्निंग सेक्शन में क्लिक कर देते हैं। अभी 30 हो गया ना, अभी मैं रात में 12 बजे के बाद वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा कुछ शो नहीं करेगा। तो हम 29 का बात करते हैं ट्यूजडे का। तो 29 में मैं ड्यूटी स्टार्ट किया था, देख सकते हो, आप लोगों को पूरा दिखा रहा हूँ समझ लेना। 9:12 में फर्स्ट वाला ऑर्डर मैंने पिकअप करके डिलीवर किया। उसके बाद 10:19, 11:34, 12:09, 1:15, 2:34, 3:29, 4:01, देख सकते हो। उसके बाद 4:53, 6:53। तो टाइमिंग का डिफरेंस आप देख सकते हो और अमाउंट भी आप लोग देख लीजिए। पंकज भाई कभी भी आप लोगों को ऐसा अपडेट नहीं देता है कि जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आए, ठीक है। एक एक ऑर्डर का वैल्यू देख सकते हो कितना कितना आया है, ठीक है। जितना भी ऑर्डर का अमाउंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 100 का नीचे एक भी ऑर्डर नहीं है। मतलब अगर हम फर्स्ट वाला ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर असाइन हुआ था 158, ओके। पॉटर अमाउंट 31 पॉटर काटा, मेरे को जो आया है 126 मेरा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऐसे भी 204 ये मेरा अमाउंट है, 204 यहाँ पे पॉटर ने ले लिया 51, टोटल असाइन हुआ था 250 रुपये का ऑर्डर, ठीक है। देखो कैश 0, मतलब मेरे को कस्टमर से कुछ भी नहीं लेने का है, डायरेक्ट कस्टमर ऑनलाइन पे किया है, कंपनी उसका कट करने के बाद मेरा 204। उसी तरह और एक भी ऑर्डर आया है, देख सकते हो 268, ठीक है। ऑर्डर असाइन हुआ है 335, मेरे को मिला है 268 मेरे को मिला है। और उसके बाद देख सकते हो ऐसे ऑर्डर मिला है। उसके बाद और एक बड़ा अमाउंट मिला है, यहाँ पे देख सकते हो 184, देख सकते हो 231 असाइन हुआ 46 कंपनी का। तो कितना परसेंटेज कंपनी लेता है आप लोग समझ सकते हो। और एक ऑर्डर असाइन हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे मेरे को मिला है 256, ऑर्डर असाइन हुआ था 321, 64 रुपीज कंपनी लिया, मेरे को 256 मेरा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे और एक कुछ ऑर्डर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 29 का
यहाँ पर लास्ट ऑर्डर देख सकते हो 653। आप लोगों को अभी और एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो 653 मतलब मैं 7 बजे तो ऑर्डर लास्ट ऑर्डर था, और 7 बजे अगर मेरा लास्ट ऑर्डर था, मैं डिलीवरी कितना बजे किया हूँ, डिलीवरी देखिए 6:59 में ऑर्डर असाइन हुआ था। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए ऑर्डर जब असाइन हुआ था, ये वाला ऑर्डर जब डिलीवरी किया है 8:29, तो 7:30 मतलब 7 बजे से एक ऑर्डर मिला है, मैं उसको डिलीवरी किया 8:30 बजे। तो ये जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना, ये जो ट्रैवल डिस्टेंस मेरे को यहाँ इस वाला लोकेशन से ये वाला लोकेशन आने के लिए कितना घंटा लगा, तो देख सकते हो कितना दूर भी। ऑर्डर जब असाइन हुआ था भाई 402 का हो गया ऑर्डर, जब ऑर्डर असाइन हुआ था 378 समथिंग असाइन हुआ था। ये ऑर्डर पे क्या हुआ, जब मैं कस्टमर ड्रॉप लोकेशन में गया, कस्टमर मेरे को बोला भैया इधर आओ उधर आओ, ऐसे मेरे को कॉल पे बोल रहे थे। ठीक है भाई, सपोर्ट टीम इतना स्ट्रिक्ट है, हम लोग अगर कॉल में कुछ भी बात करते हैं कस्टमर से ना, कस्टमर बोलता है कि भैया इधर आ जाओ ऐसा बोलता है ना, तो भाई फेयर चेंज हो गया, 378 से ये जाके पहुंच गया कितना, 402 पहुंच गया कस्टमर का। कस्टमर मेरे को इधर उधर घुमाया, अगर कस्टमर ऑनलाइन पे कर देता उसके बाद मेरे को बोलता कि भैया तुम थोड़ा इधर आ जाओ, 1 किलोमीटर भी अगर गड़बड़ होगा तो वो कुछ नहीं होता। कस्टमर अगर पे नहीं करेंगे अमाउंट, अगर मतलब मेरे को कैश ऑन डिलीवरी मान के चलो, ठीक है, तो उस टाइम कस्टमर अगर मेरे को बोलेगा भैया इधर आओ उधर आओ ऐसे बोलेगा, तो भाई फेयर चेंज हो जाता है मेरे को। भाई देखो उस टाइम पे ये 402 बन गया, और इसका रियलिटी भी आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, देख लीजिए वीडियो पे फेयर चेंज हुआ था कि नहीं होता, ऑर्डर असाइन हुआ था कितना और हो गया 402 क्यों हो गया। और इस ऑर्डर में भाई मेरे को मिला था 321 मिला था। ठीक है, ये कुत्ता लोग बाहर पूरा दिमाग ख़राब कर रखे हैं भाई, थोड़ा नॉइज आएगा तो थोड़ा इसको अवॉइड करना। मैं आप लोगों को भाई लेट नाइट वीडियो को छोड़ करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला ऑर्डर साइन हुआ था मेरे को, देख सकते हो हेबाल कैंपापुरा में मैंने इसको रिसीव किया था, इसको लेके गया था भाई मैं कैंगरी लेके गया था, कैंगरी, तो समझ लीजिए ये। और आज मैं यहाँ पे आप लोगों को 9:59 मतलब 10 आवर्स का यहाँ पे शो कर रहा है। मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि पोर्टर का जो लॉगिन है ना वो थोड़ा बहुत मतलब ऐसा दिखाता है, मतलब कम दिखाता है, कभी ज़्यादा दिखा देता है, ऐसा होता है। बट मेरा कंडीशन यही है, मैं अगर मॉर्निंग में 9 बजे लॉगिन किया था, देख सकते हो मॉर्निंग 9:24 को फास्ट ऑर्डर असाइन हुआ था, तो फास्ट ऑर्डर को मैंने डिलीवरी कंप्लीट किया 10:08 में डिलीवरी किया फास्ट ऑर्डर। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद तो मैं जब ड्यूटी एंड किया था, तो आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, जब ड्यूटी एंड किया था ये लास्ट ऑर्डर पिकअप 6:51 डिलीवरी 8:29 मतलब 8:30 बजे मैंने डिलीवरी मार्क किया। उसके बाद भी मैंने लॉगआउट नहीं किया था, उसके बाद मैंने कुछ ऑर्डर को स्किप कर दिया था, बट मैं जब ड्यूटी बंद किया मैं लगभग 10 बजे तक ऑनलाइन था। मैं भाई कैंगरी से 27 किलोमीटर से मैंने रिटर्न आया, माराथली जोन में रिटर्न आया हूँ। तो इस काम पे ऐसा होता है ना कि भाई भगाता है बहुत दूर, भाई अर्निंग भी उतना अच्छा देता है और बहुत दूर वो लेके चला जाता है। ठीक है, मैं सोचा था कि अगर आउटसाइड से अगर मेरा होम जोन को मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे अगर ऑर्डर लग जाता है वहाँ से तो 400-500 का आता, बट मेरे को जब रिटर्न में कर रहा था लगभग 7-8 ऑर्डर को मैंने स्किप किया, तो उस टाइम पे मेरे को ऑर्डर आ था मतलब आ रहा था 400-500-600 का ऐसे ऑर्डर आ रहा था, मैं स्किप कर रहा था। तो आप लोग सोच लेना, तो मैं आज कितना ट्रिप कम्प्लीट किया, टेकन ये टाइमिंग दिखा रहा है गलत, मैं आज 12 घंटा काम किया हूँ, आप लोग समझ लेना भाई। अर्निंग देख सकते हो 1906 2000 होने वाला था, बट 1906 अर्निंग हुआ है।
तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और जितना भी टाइम मैंने दिया हूँ यहाँ पे किलोमीटर का अगर बात करूँगा तो स्क्रीन पे अटैच कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। मैं जब स्टार्टिंग किया था कैसा किलोमीटर था यहाँ पे देख लीजिए, और जब मैं डिलीवरी कंप्लीट किया टोटल आके रूम पे जब पहुँचा तो मेरा आज जो किलोमीटर हो मेरा आज टोटल 220 किलोमीटर गाड़ी ट्रैवल किया हूँ मैं। Thank you.